नमस्कार दोस्तों, अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। के चंद्रशेखर राव अस्पताल में भर्ती, कल रात फिसलकर गिर गए पूर्व मुख्यमंत्री। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केसीआर बीते रात फिसलकर गिर गए। जानकारी के मुताबिक केसीआर बीते रात फिसलकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें करीब 2 बजे हैदराबाद में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का मानना है कि के चंद्रशेखर की रात गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से अपने घर पर लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि चुनावों में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की केसीआर के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय समिति को कार्यकारी शिकायत ही थी। केसीआर ने 2014 से 2023 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। केसीआर ने तेलंगाना में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन गजवल सीट से जीत हुई, लेकिन कामरेड्डी से हार का सामना करना पड़ा। वह कामरेड्डी सीट पर भाजपा के कटपाली वेंकय रामन रेड्डी से हार गया, जिन्हें इस सीट से केसीआर और रावत रेड्डी दोनों को हरा दिया था। इनसे पहले कांग्रेस के रावत रेड्डी ने गुरुवार को 11 मंत्रियों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 119 सदस्य तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस ने 64 सीट जीती, जबकि बीआरएस को केवल 39 सीट मिली। 2014 में तेलंगाना को गठबंधन के बाद ये बीआरएस की पहली हार, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्र राव शेखर को भर्ती कराया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।